नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ASM न्यूज में। आधुनिकता की चकाचौंध में सदियों पुरानी परंपराओं को बुंदेलखंडवासी धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को अपनाना शुरू कर दिया है। दीपावली पर्व आते ही कुम्हार जाति के लोगों के चेहरे खुद ब खुद खिलने लगते थे और कुम्हारों द्वारा बनाए जाने वाले दीपों को लोग खरीद कर अपने अपने घरों में जलाकर छटा बिखेरा करते थे। आज बदलते परिवेश में आम जनमानस विद्युत झालरें खरीद कर घरों की सजावट करते देखे जा सकते हैं। यही वजह है कि कुम्हारों का धंधा मंदा हो गया है और अब उनकी समक्ष अपना व अपने परिवार का भरण पोषण की समस्या आ खड़ी हुई है। दीपावली त्यौहार का इंतजार खासकर कुम्हार जाति के लोगों को बेसब्री से रहता है, क्योंकि यह पर्व उनके लिए पूरी साल की भरपाई कर जाता था। कुम्हार जाति के लोगों द्वारा दीपावली पर्व से 5 माह पूर्व से ही मिट्टी को एकत्र करने का प्रारंभ कर दिया जाता था। पहले दीपावली पर्व पर मिट्टी से निर्मित दीपों को बिक्री इतनी हो जाती थी कि यह लोग अपना सालाना खर्च निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ विगत कुछ वर्षों से देखने में आया है कि दीपावली पर्व पर मिट्टी से निर्मित दीपों की जगह रंग बिरंगी विद्युत झालरों ने ले ली है। अब दीपावली पर्व पर जलने वाले दीपक मात्र शगुन बनकर रह गए हैं। इस बदलते परिवेश में कुछ लोग मोमबत्तियों को जलाकर दीपावली पर्व मनाने की रस्म निभा रहे हैं। आधुनिकता की मार सिर्फ कुम्हारों को ही नहीं पड़ी बल्कि उन्हें भी पड़ रही है, जो लोग दीपावली पर्व पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं बनाकर भारी भरकम राशि कमा लेते थे। आज इन मूर्तियों की जगह प्लास्टिक एवं अन्य धातुओं की मूर्तियों ने ले ली है। दीपावली पर्व पर नगर के प्रमुख चौराहे प्रत्येक गलियों में कुम्हारों द्वारा निर्मित दीपों की बिक्री जमकर हुआ करती थी और कुम्हार भी अपने धंधे से संतुष्ट दिखाई दिया करता था। लेकिन इधर पिछले कुछ वर्षों से कुम्हार अपनी किस्मत पर आंसू बहाता दिखाई पड़ रहा है। आज की युवा पीढ़ी दीपों के महत्व को समझने की कोशिश भी नहीं करती। उन्हें शायद यह भी पता नहीं कि आखिर प्रकाश पर्व पर दीपों को क्यों जलाया जाता है। यह बिजली की चकाचौंध और रंग बिरंगी झालरों के बाजार में आने से इसके महत्व को भूलते चले जा रहे हैं। दीपावली पर नज़दीक होने से यहाँ की दुकानें दिल्ली कलकत्ता से आने वाली डिज़ाइनदार झालरों से भरी पड़ी हैं। खास बात तो यह है कि इन दुकानों के इर्द गिर्द कुम्हारों द्वारा मिट्टी निर्मित दीपक बनाकर बेचे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ग्राहक का इंतजार है और वे हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। इस बदलते परिवेश में दीपक खरीद रहे हैं जो दीपावली पर्व के महत्व को समझते हैं, लेकिन इनकी संख्या भी अब बहुत कम रह गई है। अब आप विचार करिए। आशा है कि आपका निर्णय सही होगा। धन्यवाद।